हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ इसमें आपको बताऊंगी कि मैंगो से आप लस्सी कैसे बना सकते हैं। और ये लस्सी आप बिना किसी मिक्सर और हैंड ग्राइंडर की हेल्प से बना सकते हैं, और ये पीने में इतनी टेस्टी लगती है कि मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आपने एक बार ऐसी लस्सी बनाई तो आप बार बार इसको बनाएंगे। तो चलते हैं मैंगो लस्सी बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, मैंगो लस्सी बनाने के लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है वो हैं, एक गिलास दूध, दो मैंगो लिए हैं मैंने, मैंगो छोटे हैं इसलिए दो लिए हैं, और बड़ा रहेगा तो आपको एक मैंगो इनफ रहेगा। और एक गिलास दूध मैंने इसलिए लिया है क्योंकि एक गिलास दूध आप लेंगे और उसमें प्लस मैंगो ऐड करेंगे तो वो दो गिलास मैंगो लस्सी आपकी बन जाएगी। और ये शुगर लिया है मैंने, किशमिश लिया है मैंने, काजू के पीसीज हैं कटे हुए, और ये बादाम के पीसीज हैं कटे हुए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने एक खाली बोल लिया है, उसके अंदर मैंने दूध डाल लिया है। अब उसके अंदर 2 स्पून शुगर ऐड किया है। शुगर आप पिसी हुई भी ले सकते हैं या फिर हम लोग जो डेली यूज़ करते हैं वो भी ले सकते हैं, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये देखिए दूध में मैंने शुगर मिक्स करके रख दिया है। अभी मैंने ये दो मैंगो लिए हैं। अभी देखिए, हमें मैंगो को इस तरह से थंब की और फिंगर्स की हेल्प से हमें इसको धीरे धीरे से प्रेस करना है। ये देखिए, पूरे मैंगो को हमें प्रेस करना है जिससे कि अंदर से इसका पूरा पल्प जो है वो सॉफ्ट हो जाए। जैसे दशहरी मैंगो को भी करते हैं वैसे ही हमें इसको भी करना है। मैंने ये अल्फेंजो मैंगो लिए हैं, लेकिन आप इसमें कोई भी मैंगो यूज़ कर सकते हैं, तो इसकी लस्सी बहुत टेस्टी बनती है। ये देखिए, आपका ये मैंगो इस तरह से दबने लगेगा। ये देखिए, इस तरह से ये दब जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने मैंगो को कितना सॉफ्ट कर लिया है ऊपर से, सब तरह से। अब ये देखिए, इसका ऊपर का जो, यहाँ से इसको हम तोड़ लेंगे, और ये देखिए इस तरह से धीरे धीरे हम इसको मिल्क के अंदर डालेंगे। ये देखिए, गुठली के साथ ये पूरा अंदर चला गया है, और इसको धीरे धीरे ऐसे प्रेस करेंगे कि पूरा पल्प इसका अंदर चला जाए। और अभी ये मैंगो के छिलकों को तोड़ के नाइफ की हेल्प से हम लोग इसको धीरे धीरे इस तरह से उतार लेंगे जिससे कि हमारा मैंगो वेस्ट ना हो। ये देखिए, अभी देखिए फ्रेंड्स, अभी ये दूध के अंदर हमारी जो गुठली पड़ी है, अभी इसका भी हमें पल्प निकालना बाकी है। तो ऐसे नाइफ की सहायता से धीरे धीरे इसका भी हम पल्प निकाल लेंगे। ये देखिए, पूरा पल्प, दोनों गुठलियों का पल्प निकाल लेंगे हम लोग। सीरियसली, ये मैंगो लस्सी इतनी टेस्टी लगती है, आप एक बार बनाएंगे ना तो आपको बहुत टेस्टी लगेगी। आप मेरे कहने से इसको घर पे ज़रूर बनाइए और सबको पिलाइए, गारंटी देती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। और फ्रेंड्स, इसमें ना तो मिक्सर की ज़रूरत है और ना किसी हैंड ग्राइंडर की ज़रूरत है, आप इजीली इसको बना सकते हैं। ये देखिए, पूरा गुठली को मैंने क्लीन कर लिया है, ज़रा भी पल्प नहीं है इसके ऊपर। तो दोनों गुठलियों को हम ऐसे ही सारा पल्प निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लस्सी कितनी अच्छी लग रही है, और इसमें छोटे छोटे जो मैंगो के पीसीज आते हैं वो तो बहुत टेस्टी लगते हैं जब भूमे आते हैं। अभी हमारी लस्सी एकदम रेडी है, मैं इसको गिलास में डाल लेती हूँ। ये देखिए, परफेक्ट 2 गिलास हमारी लस्सी बन गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी लस्सी रेडी है, और आप इस पे आइसक्रीम भी इन्हें डाल सकते हैं जो बच्चों को और बड़ों को बहुत पसंद आती है। ये देखिए, मैंने वनीला आइसक्रीम डाली है इसके अंदर, तो आप इसको आइसक्रीम के साथ और बिना आइसक्रीम के साथ दोनों तरह से खा सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी टाइम आया है अपनी मैंगो लस्सी को गार्निश करने का। ये मैंने बादाम के पीसेस डाल दिए हैं, थोड़ा सा किशमिश डाला है मैंने इसमें,
और ये थोड़े से काजू के पीसेस डाले हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ ये घर पर ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए कि इस गर्मी के मौसम में आपको ये मेरी मैंगो लस्सी कैसी लगी। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आपने देखा ना हम लोग मैंगो लस्सी कितना इजीली बना सकते हैं घर पर और बिना किसी मिक्सर ग्राइंडर और हैंड ग्राइंडर की हेल्प से। फ्रेंड्स, ये लस्सी मैं रोज़ अपनी फैमिली के लिए बनाती हूँ और वो लोग बड़े शौक से इसे पीते हैं, और मैं चाहती हूँ आप भी अपने घर पर सबके लिए बनाइए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, मुझे खुशी होगी। और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।